देखो गाइस, एज यू नो आजकल हमारा ब्लॉगिंग का टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा बूम पर है। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ब्लॉग्स बना रहे हैं और काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं यूट्यूब से। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि कैसे आप अपने आईफोन के साथ में एक प्रॉपर और एक अच्छा ब्लॉगिंग सेटअप बना सकते हो, वो भी कम प्राइस में। तो यहाँ पर मैंने जो गियर्स यूज़ किए हैं बेस्ट क्वालिटी के हैं और बजट में आते हैं, और मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट है इस बजट के हिसाब से। और यहाँ पर एक मैं अच्छा माइक का लिंक और भी डाल दूंगा जो कि थोड़ा सा जैसा महंगा है, सैनाइजर का, अगर आप उसको ले सकते हो तो वो वाला लेना, थोड़ा बेटर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले आपको माइक दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है बोया का B/MM1, काफ़ी अच्छा माइक है। पहले मुझे लगा था कि इस रेंज में हमें इतनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी नहीं देगा, पर जब मैंने इसका यूज़ किया तो मुझे एक्चुअल में पता चला कि ये सच में अच्छी क्वालिटी देता है इस प्राइस के हिसाब से। और इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखाता हूँ। अनबॉक्सिंग करते हैं, हमें अंदर जो सामान मिलता है, यहाँ पर हमें एक तो सबसे पहले आपको माइक मिल जाएगा। हैवी है ये माइक, मेटल बॉडी है इसकी, अच्छी क्वालिटी है। और साथ में ये माइक को अटैच करने के लिए देके रखा है रेड कलर का, प्लास्टिक का ये, तो उतना सॉलिड मुझे लग नहीं रहा, तो मेरे हिसाब से ये आपको थोड़ा केयरफुली रखना पड़ेगा। और इसके बाद में यहाँ पर दो केबल देके रखी है, एक तो हमारी कैमरा के लिए और दूसरी हमारी है आईफोन या किसी भी एंड्रॉइड फोन के लिए। और अगर आपके पास DSLR है तो DSLR के साथ में भी काफी अच्छे से ये वर्क करता है। मैं अपने ब्लॉग चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आपको सैंपल वीडियोस मिल जाएंगे DSLR के साथ में, देख लेना, आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। और उसके बाद यहां पर एक बैग देके रखा है जिसमें आप ये सारा मटेरियल डाल सकते हो। और यहां पर लास्ट में एक डेड कैट है जो कि जब बहुत ज्यादा हवा चलती है उस एरिया में आप वीडियो शूट कर रहे हो तो काफी हेल्प करती है। फैन लगवा रूम में तब भी ये काफी अच्छे से काम करती है, नॉइस को जो है रिड्यूस करती है, मतलब हवा की जो आवाज आती है उसे आने नहीं देती है माइक के अंदर। चलिए ये हमारा माइक का पार्ट हो गया, अब बात करते हैं बाकी गियर्स की। तो यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉगिंग ग्रिप है जिसमें हम अपना फोन होल्ड कर सकते हैं, और साथ में ये कोल्ड शू के साथ में आता है। तो कोल्ड शू बहुत जरूरी है अगर आप एक्सटर्नल माइक यूज करें, क्योंकि इसके बिना आपका माइक ऊपर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कोल्ड शू आप देख सकते हो, यहाँ पर अलग से स्पेस देके रखा है, तो इसके ऊपर आप अपना माइक लगा सकते हो इस तरह से अटैच करके। और दूसरा यहाँ पर लेवल चेक करने के लिए देके रखा कि आपने अपना फोन सीधा पकड़ा है या फिर टेढ़ा है थोड़ा बहुत, तो वो भी आप इसमें चेक कर सकते हो। तो उस वजह से मुझे ये वाला ग्रिप बढ़िया लगा। और यहाँ पर आप अपना आईफोन या कोई भी फोन लगा रहे हो, इजीली आप लगा सकते हो, बस यहाँ पर लगाओ। और यहाँ पर पीछे एक रिंग देके रखी है तो इसको आपको घुमाना पड़ता है, यहाँ पर स्प्रिंग नहीं देके रखा है क्योंकि स्प्रिंग में थोड़ा रिस्की हो जाता है, फोन नीचे गिरा टूट जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसे घुमाओ और एकदम से पूरा टाइट हो जाता है आपका फोन। तो अभी हमारा फोन जो है ना एक तरह से टाइट हो चुका है पूरा प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पर ये भी ग्रिप देके रखा है तो इस तरह से आप होल्ड कर सकते हो, एक अलग से ट्राइपॉड लेने की जरूरत नहीं है और आप इजीली ब्लॉगिंग कर सकते हो। और ऊपर आ गई ये डेड कैट जो कि इजीली लग गई और काफी बढ़िया लगती है, कूल भी लगती है और काम की भी है। ये हमारा इतना सा ब्लॉगिंग सेटअप तैयार हो चुका है। और इसके बाद अगर आपकी रेंज ज्यादा नहीं है आपकी हैंड की, तो आप इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हो, एक अलग से और भी ट्राइपॉड ले सकते हो। तो ये वाला मैं शू बता रहा था, ये वाला प्रॉब्लम करता है, इससे फोन वगैरह गिर भी जाते हैं, तो ये वाला यूज करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। और यहां पर इसमें कोल्ड शू भी नहीं है तो यहां पर मैं इसे निकाल देता हूं। और इस ग्रिप के साथ में आप इसे जोड़ सकते हो, तो ये हमारा जुड़ गया है। अब हमारे हाथ की जो रीच है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तब आप शूट करोगे तो ब्लॉगिंग का बैकग्राउंड का एरिया एकदम वाइड हो जाएगा, काफ़ी एरिया ये कवर कर पाएगा। तो आप चाहें तो इसका यूज़ भी कर सकते हो, आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है। और यहाँ पर आप आईफोन यूज़ कर रहे हो तो आपको ये एक छोटी सी केबल लेना पड़ेगी। तो ये केबल मैंने एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट से मंगवाई थी, 900 के आसपास पड़ी थी ये। तो आप भी मंगवा रहे हो तो एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट से मंगवाएं, अगर आप कोई डुप्लीकेट ले रहे हो 300-400 वाले, या फिर कोई भी डुप्लीकेट ले रहे हो तो उसमें ये माइक बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, तो आपको ये केबल ओरिजिनल ही लेना पड़ेगी। तो यहाँ पर इतना काम होते ही इसको अटैच कर दो। ये हमने अपने फोन के साथ में अटैच की केबल और उसके बाद अपने माइक के साथ में, और अब हम रेडी है ब्लॉग शूट करने के लिए। और यहाँ पर अभी मैं आपको एक छोटा जैसा सैंपल रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, और बाकी मेरा ब्लॉग चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। पर लेटेस्ट वाली वीडियो देखना जो कि अभी आएंगी इस सेटअप के साथ में, पुरानी वाली में मैं माइक यूज़ नहीं करता था, और DSLR वाली भी मिल जाएगी। बाकी आप कमेंट करके पूछ लेना कौन सी वीडियो DSLR की है, कौन सी वीडियो आईफोन की है, बाकी आपको देख के पैसे पता चल ही जाएगा। चलिए अभी छोटा जैसा सीन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने इस ब्लॉगिंग सेटअप के साथ में, और यहाँ पर मैं अपना पूरा हैंड पीछे लेके जाऊँ तो ये आईफोन का फ्रंट कैमरा है और इतना एरिया कवर कर देता है, और माइक की आवाज आप सुन रहे होंगे। तो यहाँ पर अभी तक नॉर्मल आवाज आ रही है, अभी मैं AC के बिल्कुल नीचे आता हूँ तो यहाँ पर डायरेक्ट हवा चल रही है इस माइक के ऊपर, तो आई होप कि मैं क्लियर सुनाई दे रहा हूँगा आपको। अभी मैं फैन भी चला देता हूँ एक बार फुल स्पीड पर, तो फैन अभी हमारा फुल स्पीड पे चल रहा है, प्रॉपर वाली फुल स्पीड पे, और आप देखो कि मेरी आवाज जो है वो आपको क्लियर आ रही है या फिर नहीं, क्योंकि फैन की आवाज काफी ज्यादा है, थोड़ा पुराने टाइम का ये फैन है तो आप देख लेना। बाकी AC भी चला हुआ है
तो उस हिसाब से आप पता लगा लो कि कितनी ये आवाज़ को ठीक कर देता है। तो फिर गाइस अगर आप बिगिनर हैं और आप एक ब्लॉगिंग सेटअप लेना चाहते हो, आईफोन है या फिर कोई एंड्रॉयड फ़ोन है, तो ये सेटअप काफ़ी बढ़िया है। इसमें आप बढ़िया रिकॉर्डिंग कर सकते हो, स्टार्टर्स के लिए काफ़ी बढ़िया है। और बाकी आप प्रोफेशनल जाना चाहते हो तो DSLR भी आपको सोनी का लेना पड़ेगा और माइक भी सेनहाइजर या रोड का लेना पड़ेगा। अगर आपका वो बजट है तब आप जाओ, पर मेरे हिसाब से स्टार्टिंग के लिए ये काफ़ी बढ़िया है। बाकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। तो यही थे हमारे आज की वीडियो, आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेरी है नीचे पूछो कमेंट बॉक्स में, आपके लिए कमेंट बॉक्स पूरा खुला हुआ है। और सब्सक्राइब कर दो, मैं तो आपके साथ किसी और वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।